तो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रनों से हरा दिया। आप सभी लोगों को पता होगा आज यहाँ पर अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ ना तो अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 148 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ और सिर्फ 127 रनों पर समेट दिया। सारी की सारी यहाँ पर विकेट गिर गई। और अगर मैं इस मैच की बात करूँ ना यहाँ पर शुरू से, तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखोगे ना कि मतलब कि यहाँ पर जो बैटिंग थी ना अफगानिस्तान की, भाई वो अनबिलीवेबल थी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहली यहाँ पर जो विकेट थी ना वो यहाँ पर 118 रन पर गिरी थी, लेकिन बाद में यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बताऊँ ना, तो यहाँ पर जो पैट कमिंस है उन्होंने यहाँ पर लास्ट में जाकर के हैट्रिक वगैरह भी ले ली। और यहाँ पर मतलब कि आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जो पैट कमिंस है उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी हैट्रिक ली थी और यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ भी हैट्रिक ले ली। मतलब यहाँ पर जो पैट कमिंस है उन्होंने यहाँ पर लगातार यहाँ पर दो मैचों में यहाँ पर दो हैट्रिक्स ले ली हैं उन्होंने यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देखोगे तो। यहाँ पर जो गुरबाज है उन्होंने यहाँ पर 49 बॉलों पर 60 रन बनाए और यहाँ पर जो इब्राहिम जादरा है उन्होंने 48 बॉलों पर 51 रन बनाए। बाकी यहाँ पर बैट्समैन इतना कुछ खास नहीं कर पाए, तो इसीलिए यहाँ पर अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 148 रनों पर सिमट गई। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, तो उसमें यहाँ पर कोई भी कुछ खास नहीं कर पाया। और अगर मैं यहाँ पर मैक्सवेल को छोड़ दूँ ना, उन्होंने 41 बॉलों पर यहाँ पर जरूर 59 रन बनाए। यहाँ पर जैसे ही मैक्सवेल की विकेट गिरी ना, और अफगानिस्तान पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया पर हावी हो गई और उन्होंने यहाँ पर 21 रनों से हरा दिया। ट्रेविस हेड यहाँ पर जीरो पर गए और यहाँ पर मतलब कि आप लोग यहाँ पर देखोगे ना कि कोई भी यहाँ पर बैट्समैन ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाया। सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल ने जरूर यहाँ पर 3 छक्के लगाए, बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने यहाँ पर एक सिंगल छक्का भी लगाया हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना अफगानिस्तान की बॉलिंग की, तो वो आप लोग यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो गुलबुद्दीन नैब है ना, उन्होंने यहाँ पर 4 ओवर में यहाँ पर मतलब कि 20 रन देकर 4 विकेट्स लिया। और यहाँ पर जो नवीन उल हक है ना, तो उन्होंने भी यहाँ पर 4 ओवर में 20 रन देकर के 3 विकेट्स लिए। तो यहाँ पर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फारूकी को तो कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर लास्ट ओवर में एक उमर जई को विकेट मिला और एक यहाँ पर मोहम्मद नबी और एक राशिद खान ने भी यहाँ पर विकेट ले लिया। और फाइनली यहाँ पर जो पिछली बार का जो रिवेंज था ना ऑस्ट्रेलिया का, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया ने हराया था ना, जो मैक्सवेल ने अकेले हराया था ना अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप में, अगर आप लोगों को याद होना ओडीआई का वर्ल्ड कप, तो उसका यहाँ पर अफगानिस्तान ने बदला ले लिया है। जितने यहाँ पर सुपर फोर में पहुंचने के चांस मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के है ना, उतने ही चांस मतलब अफगानिस्तान के भी बन गए। पर भी अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ ना, तो भाई ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मतलब कि चांस ना अफगानिस्तान के हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अगला मैच होने वाला है ना, ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है इंडिया से, जो कि भाई ईजी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लेकिन अफगानिस्तान का मैच बांग्लादेश होने वाला है। बांग्लादेश मतलब कोई इतनी खास टीम नहीं है कि मतलब कि अफगानिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आ रही है ना, और बांग्लादेश अपने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों से हार करके आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पर अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी हरा दे। और यहाँ पर मतलब ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया से हार गई ना, तो मतलब कि आप लोग देखोगे ना भाई सुपर फोर में पहुंचने से पहले ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब कि इससे बाहर हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी तो बांग्लादेश की तक आने की है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर चांस है ना वो यहाँ पर अफगानिस्तान के, फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के। और यहाँ पर जो वर्ल्ड कप में इंटरटेनमेंट है ना वो अपने शिखर पर पहुंच गया है। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए ना हमारे चैनल स्मार्ट राइज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।